कल के दिन एक हैशटैग ने दोस्तों सोशल मीडिया पे बवाल मचाया। ये हैशटैग था राहुल वैद्य फॉर द विन। अब आपको बताना चाहता हूं कि इस हैशटैग ने क्या धमाल फर्दर मचाया है। राहुल बोझ आ गया है और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। फेसबुक टूडे इंस्टा पे अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों राहुल वैद्य फॉर द विन के बारे में, जिसके बारे में दिशा परमार ने बोली थी बात कि अरे वाह नंबर टू पे क्यों, नंबर वन पे पहुंचाओ यार इसको। हालांकि नंबर वन पे नहीं पहुंच पाया वो, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ट्वीट्स के मामले में, रिट्वीट्स के मामले में और टोटल जो फिगर आया है दोस्तों वो आया है 4 मिलियन ट्वीट्स का। जी हाँ दोस्तों 4 मिलियन ऐसी खबर आई है। अभी तक बता दूं तो हाईएस्ट जो है वो रुबीना दिलैक फैंडम ने बनाया है जो कि है 5 मिलियन का। अमेजिंग तरीके से 5 मिलियन उन्होंने किया था एंड नाउ राहुल वैद्य का फैंडम है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और अभी 4 मिलियन। अगर यहाँ पर राहुल वैद्य का फैंडम 5 मिलियन को क्रॉस करता है दोस्तों और मे बी 5.6 या 6 मिलियन अगर इस तरीके से पहुंचता है तो रुबीना दिलैक का फैंडम उसको क्रॉस करेगा, फिर राहुल का उसको क्रॉस करेगा, फिर रुबीना का उसको क्रॉस करेगा। सो ये बेसिकली प्रोसेस द प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों इस ट्रेंड की सबसे खासियत ये है कि इस ट्रेंड को एकदम दिशा ने कुछ इस तरीके से लिखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है ये मे बी लास्ट ट्रेंड हो, बट सीरियसली गाइस आप लोगों को इसको जो है आगे पहुंचाना है और दिशा ने भी काफी मदद करी है, फैंस ने काफी मदद करी है। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द आर्केवियंस जो कि इस ट्रेंड के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, ट्वीट कर रहे होंगे, बहुत दर्द हो जाती होंगी यहाँ। सो यस गाइस बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज और मैं आपको इसी तरीके की बातें, चटपटी बातें बताता रहूंगा।